रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का जायजा ले रहा है। नून लीग मतलूबा दस्तावेजात फराहम करने से आ रही है, इनसे हिसाब मांगा जाए तो ये भाग जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी उसका जायजा ले रही है और उसकी बेशुमार सुनवाइयां जो है वो हो चुकी हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जनाब पीटीआई का हिसाब हो, पीटीआई का फैसला हो, जब आपसे अपना हिसाब मांगा जाता है तो उस वक्त जो है वो आप अपना हिसाब देने से जो है वो भाग जाते हैं। तो जो ये भागने की इनकी रवायात है, पुरानी रवायात है, वो आज भी कायम है। पीपल्स पार्टी जिसने 1995 से यूएसए के अंदर यूएसए में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवा रखी है और यूएसए के अंदर उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं जिनको लाखों रुपया वो अपनी लॉबी के लिए अदा कर चुके। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो ये अपनी जाती लॉबी को, पीपल्स पार्टी की लॉबी को, जरदारी की लॉबी को करवाने के लिए पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करते हैं।